अगर आपके घर का बिजली का बिल 30,000 रुपये महाना है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल ज़ीरो होने वाला है। सिर्फ 1,40,000 रुपये लगाएं और अपने घर का बिजली का बिल 30,000, 25,000, 35,000 बिल आप ज़ीरो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसा इन्वर्टर दिखाने जा रहे हैं जो कि आप सिर्फ 1,40,000 रुपये लगा कर आप पूरा घर चला सकते हैं। उसमें 1.5 टन का एसी चला सकते हैं और इसके अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, घर का पंप, हर चीज़ आप उस इन्वर्टर पर आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, सन लाइफ कंपनी का कोई भी मॉडल, कोई भी इन्वर्टर अगर आप ख़रीदते हैं तो इसका एक और एडवांटेज इस वीडियो के एंड में बताएंगे जो जानकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लेन हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या रेट हैं इसके। तो मेरे साथ माइकल से सबसे पहले तो इसका आपने सेटअप का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया था। जी भाई, हमारी शॉप है गिरीगंज बाजार और फोन नंबर है 0308-86-24-320 और 0306-52-31-253। तो इस एरिया में आप वाहिद डीलर हैं इसके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मॉडल है? 3 किलोवाट का पीवी 3200, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट का इन्वर्टर। इसके बारे में भी अगर आपको तफसीलात जाननी है, मुकम्मल डिटेल जाननी है, तो हमारी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। 8 किलोवाट का सन लाइफ का, इसके हवाले से भी आपको अपडेट, अगर आप मुकम्मल अपडेट लेने तो इसके भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और सन प्रो 1.5 मॉडल सन लाइफ का, इसके हवाले से भी अपडेट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो SL प्लस 4 किलोवाट का इन्वर्टर, ये नया मॉडल आया है, इसकी अपडेट आपको देने जा रहे हैं आज। तो ये देख सकते हैं, ये इसकी शेप है, इंतहाई खूबसूरत शेप में है। ये डिस्प्ले इसका? जी डिस्प्ले, मुकम्मल डिस्प्ले या दरमियान में? मुकम्मल है, ये डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले है। तो टच डिस्प्ले में ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, 4 किलोवाट का। 4 किलोवाट इस पे कितना सर लोड डाल सकते हैं? सर इसमें पूरा 4 किलोवाट आप लोड डाल सकते हैं इजीली। 5000 वाट इसमें सोलर लगेगा। 5000 PV में 4 किलोवाट का इन्वर्टर सन लाइफ कंपनी का, बहुत अच्छी इसके रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे जो लोग ऑपरेट इसको कर चुके हैं, ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, बहुत अच्छे इसका फीडबैक दे रहे हैं। 6.2 और 8 किलोवाट, 3 किलोवाट, 1.5 किलोवाट का ऑलरेडी लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कितनी बैटरी पे ऑपरेट होता है? ये भाई 24 वोल्ट में, इसमें 2 बैटरियां लगेंगी। 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है, 2 बैटरी इस पे आप लगा सकते हैं। बगैर बैटरी पे चल सकता है? जी बगैर बैटरी के। बैटरी और बगैर बैटरी का ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और प्लस हाइब्रिड ये इन्वर्टर है। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पे आप 1.5 टन का AC भी चला सकते हैं। AC चल सकता है इस पे? जी इजीली भाई AC चलता है, इसमें डुअल आउटपुट है। डुअल आउटपुट के साथ है, डुअल आउटपुट ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन दिया हुआ है डुअल आउटपुट का। MPPT इस पे कितना है एम्पियर का लगा हुआ सर? इसमें 120 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर, 120 एम्पियर का MPPT चार्ज कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है जो कि फास्ट बैटरी आपकी चार्ज करेगा और बहुत ही अच्छे डिजाइन में, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये इन्वर्टर है। बिल्ट इन वाईफाई भी है, बिल्ट इन वाईफाई के साथ और बहुत अच्छे ऑप्शन के साथ, जैसे कि लेटेस्ट मॉडल में आजकल ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो तमाम वो फीचर इसमें मौजूद हैं जो कि आजकल इन्वर्टर्स में मौजूद होते हैं, नए मॉडल्स के इन्वर्टर में मौजूद होते हैं। SL प्लस 4 किलोवाट का ये मॉडल है। अच्छा तो सर, ये सन लाइफ 4 किलोवाट की मौजूदा प्राइस क्या है? जी भाई, अभी जो इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1.40-1.45 तक के राउंड बाउंड है। मेरे व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं फुल डिस्काउंट के साथ, मतलब जो 45 रेट चल रहा है मार्केट का, तो 40 तक हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। 40 तक वीडियो वगैरह दिखाएगा कि उसको आप। तो व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशल ऑफर के साथ, अगर 1,45,000 इसका रेट चल रहा है 4 किलोवाट का, जितने भी कंपनीज आप देखें तो उसमें 4 किलोवाट का इन्वर्टर आपको कहीं भी MPPT के साथ 4 किलोवाट का इन्वर्टर 1,40,000-45,000 की रेंज में नहीं मिलेगा। 1,65,000-1,70,000-1,90,000 के राउंड अबाउट चार किलोवाट के जो इन्वर्टर मौजूद है मार्केट में। सन लाइफ एक तो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा फीडबैक इसका आ रहा है, उसके साथ साथ जो है वो इसके रेट भी बहुत ही मुनासिब रखे हैं कंपनी ने। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात कि सोलर इन्वर्टर, ये सन लाइफ के जो इन्वर्टर है, इसकी जो सर्विस सेंटर है वो भी लोकल बेस है, भावलपुर का ये सर्विस सेंटर है। आपको 10-10, 15-15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, विद इन डे आपका जो है ये मसला हल करके देंगे।
अगर सन लाइफ कंपनी के कोई भी इन्वर्टर आप कोई भी मॉडल खरीदते हैं तो विद इन डे इसका प्रॉब्लम अगर आपको आ जाता है तो विद इन डे आपको ये सेट करके देंगे। तो बहुत बड़ा ये एडवांटेज है, जैसे कि दूसरे जो मॉडल हैं, दूसरी कंपनीज के जो इन्वर्टर हैं आपको 15-15 दिन वेट करना पड़ता है, वो भेजा जाता है कंपनी के पास, वो सेट होके आते 10-15 दिन, महीने महीना भी गुजर जाता है। तो विद इन डे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर ये आपको ठीक करके देंगे। सन लाइफ के ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, सन लाइफ के इन्वर्टर भी बहुत ही सस्ते हैं, मुनासिब प्राइस के इन्वर्टर हैं। 4 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मिलने जा रहा है 1,40,000 रुपए सिर्फ, इस पे आप 1.5 किलोवाट का एसी भी चला सकते हैं। अच्छा सर, एसी के अलावा इस पे क्या क्या लोड डाल सकते हैं? इसमें फ्रिज चलाएं, अपना एसी चलाएं, पंप चलाएं, एक टाइम में एसी भी चल जाएगा, एक टाइम में या पंप चलेगा या एसी चलेगा, बाकी फ्रिज एसी या एक टाइम में दोनों इकट्ठी चलेगा। अच्छा सर, इन्वर्टर ऐसी जैसे कि आपको जानते हैं कि स्टार्टिंग में बिजली ज्यादा ले रहा होता है, उसके बाद फिर इन्वर्टर होकर उसकी बिजली की जो कम हो जाती है, तो जैसे 1-2 घंटे बाद उसको एम्पेयर गिरा देता है, तो जैसे ही इसके एम्पेयर गिर जाते हैं, जैसे एसी के एम्पेयर गिरने के बाद इस पे 2 AC भी चलाए जा सकते हैं? 2 AC तो नहीं चलाए जा सकते, लेकिन उसमें और लोड ऐड हो सकता है, जिसमें वाशिंग मशीन हो जाएगी, इस्त्री हो जाएगी, ओवन हो जाएगा, वो आपको खुद थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आपको तो ज्यादा मालूमात होगी, इसमें 4 kW लिखा होता है और अक्सर में 4 kV लिखा होता है, इसमें थोड़ा सा वाजे फर्क बता दें। जो 4 kW है ना, kW होता है 1000 वाट और 1 kV होता है 750 वाट। अच्छा, ये डिफरेंट है केवी और किलोवाट में। किलोवाट 1000 वाट होगा, 1 kV 750 वाट होगा। जी जी, इसका मतलब के उसके जो लोड 2.5 किलोवाट 2.4 kV बनता है, उसको उतना लोड नहीं डाल सकते जी। तो अगर kW लिखा हो तो उस पर टोटल उतना लोड डाल सकते हैं जितना लिखा हुआ है। इजीली आप इसमें लोड चला सकते हैं। बेहतर मशवरा तो यही है कि इसको आप थोड़ा सा कम ही रखें, काम रखें, 3.8 किलोवाट कर लें, 3.9 किलोवाट कर लें, इतना इजीली लोड उठाते हैं, उसमें आपका फायदा होगा। अच्छा, किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, यानी कि इस पे 4 किलोवाट पे आप 4000 वाट करंट जो है लोड डाल सकते हैं। 4000 वाट का मतलब है कि इस पे आप 1000 वाट की इस्त्री चला सकते हैं, और वॉशिंग मशीन तकरीबन 500-600 वाट की वॉशिंग मशीन होती है, वो भी आप इस पे चला सकते हैं। अगर एसी की बात करें तो 1.5 टन का एसी एक स्टार्टिंग में तकरीबन 6-7 एम्पीयर ले रहा होता है, तो इसका मतलब है कि आप पूरा घर इस पे रन कर सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी इस पे चला सकते हैं 4 किलोवाट पे। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, बैटरी और बगैर बैटरी का इन्वर्टर है। सबसे बड़ी बात कि इस पे आप ये ऑप्शनल दिया हुआ है इन्होंने कि डुअल आउटपुट है और बैटरी विदाउट बैटरी चल सकता है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड तमाम वो फीचर इसमें मौजूद हैं जो कि अच्छे इन्वर्टर में होने चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर कोई भावलपुर से हट के दूर से आपको देख रहा है तो उसका ऑनलाइन मंगवाने का क्या सिस्टम है? जी भैया, ऑनलाइन भी हो जाएगा, हम कार्गो करवाते हैं, जिस शहर के लिए भी चाहिए आपको पाकिस्तान में, जिस शहर के लिए भी, तो ये कार्गो हो जाएगा, कार्गो हो जाएगा। तो उसकी पेमेंट ऑनलाइन करवानी पड़ेगी? ऑनलाइन पेमेंट आप ऑनलाइन करवाएं, इंशाल्लाह आपको कार्गो मिल जाएगा जिस शहर में चाहिए। और खुद यहाँ इस सेटअप पर आना चाहें तो दोबारा से अपना एड्रेस रिपीट कर दें। जी, गिरीगंज बिलाल बहावलपुर, मुबीन ट्रेडर्स के नाम से, मुबीन ट्रेडर के नाम से हमारी शॉप है, गिरीगंज बिलाल, ठीक है। और ये इनका कार्ड भी हम शेयर कर देते हैं, ये इनका मुकम्मल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा व्यूअर, इनके पास हर तरह के पैनल्स भी मौजूद होते हैं, अगर आप कोई भी पैनल खरीदना चाहते हैं तो वो भी इनके पास अवेलेबल होते हैं, फ्रेम्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। और सोलर इन्वर्टर की अगर बात करें तो सोलर इन्वर्टर सन लाइफ के तमाम मॉडल्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, तो कौन से मॉडल पे कितने किलोवाट पे कितना लोड डाल सकते हैं तमाम डिटेल मेरी जो मौजूद ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है उस पर आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इस पे ये बताएं कि 4 किलोवाट पे कितने पैनल लगेंगे तकरीबन? भाई आपके तकरीबन 10 पैनल लग सकते हैं 550 वाट के। 550 वाट के 10 पैनल लग सकते हैं, और अपग्रेड कितने पैनल से हो सकता है? ये 6 पैनल से हो जाएगा अपग्रेड, मिनिमम 6 पैनल होने चाहिए और मैक्सिमम 10। 6 पैनल पे ये अपग्रेड होगा और मैक्सिमम जो है वो 10 पैनल इस पे लगा सकते हैं। 10 पैनल का मतलब है कि 5000 वाट तक तकरीबन ये इस पे पीवी 5000 वाट आप पैनल लगा सकते हैं।
तो 5000 वाट के साथ आपकी बैटरीज भी चार्ज होंगी और जो मौजूद आपका लोड होगा वो भी आप चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।